अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जोलॉजी मिलर हारले फ़ाइव एडिशन चैप्टर एटीन उसमें फिशेस के अंदर हम लोकोमोशन को आज एक्सप्लेन करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स में आज तक हमने फिशेस की जो क्लासिफिकेशन है उसको कंप्लीट किया है तो आज हम फिशेस के अंदर देखेंगे कि लोकोमोशन जो है वो कैसे होती है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लोकोमोशन क्या होती है तो किसी बॉडी का एक जगह से अपनी जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर पहुंच जाना इसे हम लोकोमोशन कहते हैं यानी कि एक आर्गनिज़म अपनी पोजीशन को चेंज करता है और एक जगह से चलकर वो अगर दूसरी जगह पर जाता है तो इस अमल को हम लोकोमोशन कहते हैं तो स्टूडेंट्स लोकोमोशन के लिए डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट मीडियम्स होते हैं जिस तरह से एयर एक मीडियम है और उसके अंदर बर्ड्स अडॉप्टेड हैं कि वो एयर के अंदर फ्लाइट कर सकते हैं इसी तरीके से एनिमल्स हैं तो ये लैंड के लिए अडॉप्टेड हैं कि लैंड के ऊपर ये वॉक कर सकते हैं तो इसी तरीके से जो फिशेज़ हैं वो इक्वेटिकन्वायरमेंट यानी कि पानी के लिए अडॉप्टेड हैं कि वो उसके अंदर स्विम कर सकती हैं तो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में स्विम करने के लिए जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ख़ास तौर पर जो फ़िशेज़ हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अब फिशेस का प्रॉब्लम को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक बच्चा है जो कि वाटर के जो किनारा है उसके ऊपर लैंड के ऊपर मूव कर रहा है तो उसको लैंड के ऊपर मूव करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जैसे ही वो वाटर के अंदर जाएगा तो जैसे जैसे पानी गहरा होता चला जाएगा तो उसके दरमियान जो स्पेस है उनकी टांगों के दरमियान एयर स्पेस कम होती जाएगी और वाटर ज़्यादा होता चला जाएगा एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने पाँव जो हैं उसको उठाकर वाटर के अंदर नहीं रख पाएगा बल्कि उसको वाटर के अंदर ही पाँव को ड्रैग करना पड़ेगा तो इस वक्त क्या हुआ कि वो जो बच्चा है वो आखिरकार मूव करता करता अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा और वो पानी के अंदर गिर जाएगा वो ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि चूँकि जो बच्चा है वो एक्चुअली इक्वटिक एनवायरनमेंट के लिए एडॉप्टेड नहीं है वो लैंड इन्वायरमेंट के लिए एडॉप्टेड है तो इसी तरीके से जो फिशज़ होती हैं वो इक्वेटिकन्वायरमेंट के लिए अडोप्टिड होती हैं और अब हम देखते हैं कि ये जो फ़िशेज़ हैं उनको वो अडाप्टेड किस तरीके से हैं और उनको वाटर के अंदर मूव करने के लिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वही हमें बताता है कि पिक्चर है यंग चाइल्ड रनिंग फुल स्पीड डाउन टू द बीच एंड एंड टू द ओशन यानी कि अगर वो ओशन्स के अंदर जाता है तो उसको डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा शी हिट्स द वाटर एंड बिगेन टू सप्लैश मतलब जैसे ही वाटर के अंदर जाएगा तो वाटर सप्लैश करेगा एट फर्स्ट शी लिफ्ट हर फीट हाई इन द एयर बिटवीन द स्टेप्स मतलब पहले तो जो बच्चा होगा वो अपने टांगों को उठाकर पानी में रखेगा लेकिन जैसे ही पानी गहरा होता जाएगा तो वो उठाकर नहीं रख पाएगा और आखिरकार वो पानी के अंदर गिर जाएगा फॉल कर जाएगा <coughs> तो ऐसा क्यों है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो वाटर के अंदर प्रोड्यूस होती है अब नेक्स्ट यही कहता है कि द मोमेंटम ऑफ हर अपर बॉडी काज हर टू फॉल फॉरवर्ड कि जो उसका मोमेंटम होगा बॉडी का वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और जो बच्चा होगा वो वाटर के अंदर फॉल कर जाएगा एंड शी रिजोर्ट्स द लेबर्ड एंड आकवर्ड स्विमिंग स्ट्रोक तो वो पानी के अंदर इस तरीके से मूवमेंट करेगा जो कि एक प्रॉपर स्विमिंग का जो है वो तरीका नहीं होगा जिस तरह से इक्वेटिक एनिमल्स कर सकते हैं अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने देखना है कि हमारे पास जो फिशेज़ हैं इन ये ऐसा क्यों है कि वो वाटर के अंदर मूव करती हैं और हम वाटर के अंदर जब वो मूव क्यों नहीं कर सकते तो यही वो कहता है डेंसिटी ऑफ वाटर मेक द मूवमेंट थ्रू इट डिफ़िकल्ट जो वाटर की डेंसिटी होती है वो आम बंदे के लिए या किसी और एनिमल के लिए जो कि इक्वेटिक नहीं है उसके लिए भी डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करती है और जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करती है अब हमने देखना ये है कि वाटर के अंदर जो हमें डिफ़िकल्टी होती है वाटर के अंदर इवन जो फिशेस को डिफ़िकल्टी होती है वो कौन सी होती है या ये डिफ़िकल्टी क्यों होती है तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो चीज़ें हैं हमारे पास जो वाटर है या बॉडी जो है चाहे वो इक्वेटिक एनिमल का है चाहे वो लैंड एनिमल का अगर वो वाटर में जाता है तो ख़ासतौर पर चूँकि हम फिशेस की बात कर रहे हैं तो हम फिशेस की बात करते हैं कि फ़िश का बॉडी जब वाटर के अंदर जाएगा तो उसको दो प्रॉब्लम्स फ़ेस करने पड़ेंगे वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स होंगे स्टूडेंट्स एक तो ड्रैगिंग फोर्स होगी जो फिशेस को फेस करनी पड़ती है वाटर के अंदर और दूसरी फ्रिक्शन होगी अब इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कंसनट्रेट करना होगा कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ से इस साइड से पानी आ रहा है तो पानी की ख़ास फोर्स होती है जो मिसाल के तौर पर ये हमारे हाथ एक रेजिस्टेंस है और इधर से वाटर आ रहा है तो वाटर इस हमारे हाथ को बैक की तरफ मूव करवाएगी तो जो वाटर की स्ट्राइकिंग फोर्स है एक्चुअली इसको हम ड्रैगिंग कहते हैं दूसरा ये जो ड्रैगिंग फोर्स है ये फिशेस को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है वाटर के अंदर स्विम करने में या लोकोमोशन करने में दूसरा जो इनकी बॉडी होती है उसकी और वाटर के दरमियान एक रगड़ पैदा होती है और वो जो रगड़ होती है वो भी इन फिशेज़ को वाटर के अंदर मूव करने में प्रॉब्लमेटिक होती है तो इट मीन के फिशेज़ के लिए वाटर में मूव करने के लिए लोकोमोशन के लिए दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं पहला बड़ा प्रॉब्लम है ड्रैगिंग फोर्स जो कि वाटर किसी बॉडी के ऊपर लगाता है और दूसरा है फ्रिक्शन यानी कि वाटर और फिशेस की जो स्किन के दरमियान रगड़ की फोर्स होती है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं तो ये दो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो फिशेस को फेस करने पड़ते हैं अब फिशेस अगर इन दो प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन निकाल लेती हैं तो डेफिनेटली जो फिशेज हैं वो इस काबिल हो जाएंगी कि वो वाटर के अंदर स्विम कर सकें या लोकोमोशन कर सकें और अगर इन दो प्रॉब्लम का सलूशन फिशेज के पास नहीं है तो डेफिनेटली कभी भी फिशेज वाटर के अंदर मूव नहीं कर सकती फिशेज़ चूँकि इक्वेटेक एनिमल्स हैं और वो वाटर के अंदर लोकोमोशन करती हैं तो अब हमने देखना है कि इन दो प्रॉब्लम का सोलूशन फ़िशज़ के पास कौन सा है इसके लिए स्टूडेंट्स अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस के अंदर अडाप्टेशनज़ हैं ये वो अडाप्टेशनज़ हैं जो पिछले हमने दो प्रॉब्लम्स पढ़े हैं एक प्रॉब्लम ड्रैगिंग फोर्स का और दूसरा प्रॉब्लम उनके पास कौन सा है जो वाटर और उनकी स्किन के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो इन दो का सल्यूशन है इनका हल है कि फ़िशज़ ने कैसे इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया पहली अडाप्टेन इनके अंदर ये है कि इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइन है अब इसके लिए मैं एक आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे एग्जांपल दूंगा कि मिसाल के तौर तो पर ये सरफेस और वाटर यहाँ से मूव करके आ रहा है तो डेफिनेटली जो वाटर है इधर से आ रहा है तो ये हाथ को या कोई भी बॉडी उसको पीछे धकेलेगा यानी कि ड्रैगिंग जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी अगर हम इस तरीके से कर लेते हैं कि इधर से वाटर आ रहा है और हम हाथ को इस तरीके से कर लेते हैं अब इसमें क्या है कि पानी इधर से भी गुजर जाएगा इधर से भी गुज़र जाएगा तो अब जो ड्रैगिंग फोर्स है वो कम हो जाएगी जिससे जो हाथ पीछे की तरफ धकेला जा रहा था जिस फोर्स से वो कम हो जाएगी तो अब ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि पहले बॉडी डायरेक्टली ड्रे, वाटर को रोक रहा था अब जो बॉडी है वो वाटर की डायरेक्शन के मुताबिक चेंज हो गया है और उसकी जो हाथ हमारा इसकी बॉडी अब स्ट्रीम लाइन हो गई मतलब पानी इधर से आएगा तो साइडों से गुजर जाएगा इधर से आएगा तो इस साइड से गुजर जाएगा तो जो ड्रैगिंग फोर्स है वो कम हो गई तो ये ड्रैगिंग फोर्स कम क्यों हुई है क्योंकि बॉडी जो है वो इस तरीके से हो गई है कि उसका जो फ्रंट है वो भी पॉइंटेड हो गया मतलब पतला हो गया और जो एंड है वो भी पतला हो गया तो जो हमारे पास फ़िश होती हैं उनकी भी बॉडी ऐसी होती है कि जो हेड होता है वो भी पॉइंटेड होता है और जो इनकी टेल होती है वो भी पॉइंटेड होती है जिस वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो सट्रीम लाइन होती है तो ऐसी बॉडी को हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं जो कि फ्रंट से भी पॉइंटेड हो और एंड से भी पॉइंटेड हो तो पॉइंटेड बॉडी एक्चुअली वाटर की जो ड्रैगिंग फोर्स होती है उसको कम कर देती है तो ऐसे बॉडी को हम सट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं तो फिशेज़ वाटर के अंदर इस तरीके से अडाप्टेड हैं क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन है और जो ड्रैगिंग फोर्स है वो कम हो जाती है तो एक फिश ने सोल्यूशन निकाल लिया ड्रैगिंग फोर्स को कम करने का दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉब्लम था पहला हमारे पास तो जो प्रॉब्लम है वो तो था ड्रैगिंग फोर्स तो ड्रैगिंग फोर्स का सोलूशन ये है कि इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन है उसके बाद दूसरा हमारे पास है फ्रिक्शन और अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन के लिए इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर स्केल्स एक तो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं दूसरा उन स्केल्स की बेस पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो आयली और म्यूकस से क्रिएट करते हैं आयली म्यूकस से क्रिएट करते हैं आम तौर पर कोई भी जगह जहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा हो वहाँ पर अगर आयल लगा दिया जाए तो फ्रिक्शन कम हो जाती है तो इसी तरीके से वाटर और स्किन के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए फिशेस के अंदर एक एडॉप्टेशन है कि उनकी स्किन के अंदर म्यूकस और आयल ग्लैंड होते हैं जो कि वाटर और स्किन की जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देते हैं तो इससे ये जो दो बड़े प्रॉब्लम थे फिशेस के अंदर ड्रैगिंग फोर्स का और दूसरा फ्रिक्शन का फिशज़ ने इन दोनों को ओवरकम कर लिया बाई मेकिंग देर बॉडी स्ट्रीम लाइन

और उसके साथ साथ इनके बॉडी के जो जिग जैग टाइप के मसल्स होते हैं वो मूव करते हैं जिससे ये जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट है उसके अंदर ये इस तरीके से मूव करती हैं याद रखिए है, इनके अंदर जो फिन्स होते हैं वो बॉडी को आगे धकेलने में और उसके साथ साथ बॉडी की जो डायरेक्शन है वाटर के अंदर उसको चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं तो डेफ़िनेटली उसने कहा कि फ़िश मूव थ्रू द वाटर यूजिंग दियर फिन्स एंड बॉडी वार टू पुश अगेंस्ट द इनकम्प्रेसिबल सराउंडिंग वाटर अब होता इस तरीके से है कि एक्चुअली अगर फिश ऐसे करके मूव कर रही है तो इधर से आने वाला जो पानी है उसको आगे धकेलेगा फिर फिश ऐसे करेगी तो इस साइड पर आने वाला जो वाटर है वो उसको आगे धकेलेगा तो एक्चुअली जो बॉडी के मसल्स होते हैं उनकी साइडों पर जो मूवमेंट होती है उससे जो वाटर की फोर्स जनरेट होती है उसको आगे धकेलती है जबकि इनके जो फिन होते हैं वो इनकी बॉडी को स्टेबलाइज करने में और इनकी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं तो यही कहता है कि एनीवन हु हैज़ ईटन अ फिश फील और रियलाइज डैट मसल बंडल ऑफ मोस्ट फिशेज आर अरेंज्ड इन अग जैग पैटर्न तो इनके जो फिशेस के जो मसल्स के पैटर्न होते हैं वो zig जैग कंडीशन में होते हैं और नेक्स्ट हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इनके जो मसल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जिग जैग पैटर्न ऑफ फिश मसल है कि इस तरीके से इनके जो मसल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो ये जो ज़िग जैग पैटर्न ऑफ मसल है ये भी फ़िशेज़ को इस तरह से जो एक लूप लाइक मूवमेंट होती है यानी कि जो जिग जैग जैग मूवमेंट होती है जिस तरह स्नेक मूव करता है तो ये वाले मसल्स फ़िशेज़ को वाटर इन्वायरमेंट में या इक्वेटिक इन्वायरमेंट में मूव करने में हेल्पफुल होते हैं बट वन थिंग डैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू कीप इन माइंड यू एज डेट कि इनके जो फिन्स होते हैं वो बॉडी को स्टेबलाइज़ करने में हेल्पफुल होते हैं और बॉडी की जो वाटर के अंदर जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ़ द मूवमेंट ऑफ़ द फ़िश बॉडी जो होती है वो एक्चुअली डिपेंड कर रही होती है फ़िश के मसल्स के ऊपर लेकिन इनके जो फिन्स होते हैं उनका रोल डेफिनेटली होता है लेकिन कम होता है लेकिन स्टेबलाइज़ करने में फिशेज़ की बॉडी को स्टेबलाइज करने में और साथ में स्टेरिंग या डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्पफुल होता है लेकिन इनके जो टेल फिन होते हैं वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होते हैं फिशेस की जो स्पीड होती है उसके अंदर <coughs> वो किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इन फिशज़ के कार्डल फिन हैं या फिर ये टेल फिन हैं यहाँ पर देखें इस तरीके से इनके जो है ना ये पॉइंटेड एंड्स बने हुए हैं यानी कि फोर्क एंड्स बने हुए हैं याद रखिए कि जितना ये फोर्क पोर्शन ज़्यादा होगा अंदर की तरफ उतनी वाटर के अंदर टर्बुलेंस ज़्यादा क्रिएट होगी वाटर में स्प्लैश पैदा होगा और फिश की जो स्पीड होगी वो कम होगी जितना ये वाला फोर्कड एरिया कम होगा उतनी फिश की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी तो ये एक्चुअली कार्डल फिन्स हैं जो के लोकोमोशन में इनका रोल ज़्यादा होता है लेकिन जो पैक्टोरल फिन होते हैं यानी कि जैसे हम कंसिडर करें कि हमारे हाथ हैं तो बॉडी की फ्रंट साइड पर हैं तो इनके जो फिन होते हैं जो हेड साइड पर होते हैं उनको हम पैक्टोरल फिनस कहते हैं और जो नीचे की तरफ और लोअर बॉडी साइड में टेल साइड पर होते हैं उनको हम पैलविक फिन कहते हैं तो जो पेक्टोरल और पैलविक फिन होते हैं वो स्टेबलाइज करने में होते हैं जबकि जो टेल फिन होते हैं ये फिश के अंदर फिश की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने फिशेज़ के अंदर लोकोमोशन को डिस्कस किया है